तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप अपने विंडोज़ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका आईएसओ फाइल आईडीएम से, अगर आप आईडीएम यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने ब्राउज़र के डाउनलोडर से। क्योंकि अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं और अगर विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ की साइट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें वो टूल देता है कि टूल डाउनलोड करो, और वो टूल काफ़ी स्लो होता है, मतलब कि आईडीएम से तो स्लो ही होगा या फिर किसी डाउनलोड मैनेजर से। तो आप देखते हैं कैसे कर सकते हो। तो अगर तुम इस साइट पे जाओगे, रिफ़्रेश किया अभी, तो ऐसे आएगा कि डाउनलोड टूल लो। तो हमें ये टूल डाउनलोड नहीं करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, फिर इंस्पेक्ट करो। क्रोम यूज़ करते हो तो उसमें भी आ जाएगा सेम। और फिर तो उसके बाद यहाँ पर देखना एक ऑप्शन होगा टॉगल डिवाइस टूल बार, क्लिक करो। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, आईपैड प्रो कर लेना, ठीक है, तो सही रहेगा। उसके बाद एक बार रिफ्रेश करना, अब देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। बस इसको काट दो, फिर यहाँ पे क्लोज़ कर दो इसको। फिर उसके बाद अपना एडिशन यूज़ कर लो, जैसे अभी ये वाला चल रहा है तो ये वाला कन्फर्म। फिर उसके बाद लैंग्वेज चूज़ करनी होती है तो लैंग्वेज जो तुम्हारा मन करे कर लेना, ऐसे हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं तो इंग्लिश कर लिया। फिर कंफर्म, फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएगा, विंडोज़ 32 बिट चाहिए या 64 बिट चाहिए लेना। देखो मैं आईडीएम यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं डाउनलोड शुरू कर सकता हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।